देखिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, 10th का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब उसी एक्सरसाइज में आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज दैट आपको मान लिया जाए कि दो नंबर दिया हुआ, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक नंबर लेते हैं 18 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 24। अब आपको बोला जाए कि इसका LCM भी फाइंड करना है और इसका HCF भी फाइंड करना है। ठीक है, LCM का मतलब आपको समझ में आता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन हमको LCM और HCF कैसे निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। ठीक है, तो देखिए पिछली बार हम लोग सीख चुके हैं कि 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 18 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये 2 से डिवाइड कीजिए तो 9 आएगा और 3 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। यानी 18 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3। ठीक है, और 24 को इसी तरह से अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 और फिर 2 से डिवाइड करोगे 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3² और इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि जो नंबर का LCM और HCF फाइंड करना है तो उस नंबर का सबसे पहले क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्म में आपको फैक्टराइज कर लेना। अब देखिए यहाँ के बाद आपको सिखाया जाता है HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF देखिए, ये दोनों नंबर का अगर HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो देखिए ये 2 जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन है और 3 जो है दोनों में कॉमन है। और भी कोई कॉमन फैक्टर है क्या, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो कॉमन नहीं है। कॉमन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में शामिल है, जैसे 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो HCF इक्वल टू हो जाएगा जो जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 ले लेंगे और यहाँ पे 3, तो 2 × 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। यानी 18 और HCF ऑफ 18 एंड 24 इक्वल टू 6। तो HCF निकालने के लिए समझ गए। अब सपोज दैट मान लिया जाए कि दोनों का LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो भी फैक्टर है यहाँ पे वो सबको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ भी फैक्टर 2, 3 है, यहाँ भी फैक्टर 2 और 3 है, तो सबसे पहले हम लोग 2 और 3 को लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज दैट और कोई फैक्टर आ जाता है, सपोज दैट 5² तो 5 को भी यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पे इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, तो LCM निकालने के लिए जो जो फैक्टर आ रहा है, ठीक है, यूनिक फैक्टर, उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं ये ओवरऑल ये दोनों में हम देखेंगे कि 2 का जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो कितना है। तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो मैक्सिमम कौन हुआ 3, तो 2 × 3। इसी तरह से 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ, तो ज़्यादा पावर वाला कौन है, 3² तो 3² अब इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 8 एंड 9, 9 × 8 कितना 72। LCM निकालने का ये तरीका हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा HCF और LCM फाइंड करना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए देखिए सपोज दैट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कर रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, एक क्वेश्चन लेते हैं सपोज दैट 23 एंड 31। एक क्वेश्चन है, इसका HCF और LCM फाइंड करना है बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 23 और 31, तो 23 को आप जानते हो 23 जो प्राइम नंबर, तो 23 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, तो 23 को ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 × 23 लिख सकते हैं और 31 को 1 × 31 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को और भी आप आगे प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो देखिए HCF अगर निकालना होगा
तो अगर दोनों को, दोनों प्राइम नंबर है तो एचसीएफ डायरेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा नहीं आने वाला है, यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, वन, वन सिर्फ कॉमन होगा। एलसीएम अगर फाइंड करना है इस तरह क्वेश्चन में, तो आप एलसीएम फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 223 × 31, ये जो भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो 31 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 3 या 9 और 2 और 6 3 और कितना हो जाएगा, तो 7 1 3, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और नेक्स्ट लेते हैं, मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन 144 और क्वेश्चन है 198, ये दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, तो 144 को आप लिख सकते हो, 144 को आप सबसे पहले क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, तो 272 हो जाएगा, 36 2 से डिवाइड करोगे अभी 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, ठीक है। इसका मतलब 144 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स है, उसके बाद 3 2 टाइम्स है, 3 × 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 4 × 3 square। और एक नंबर है 198, तो 198 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा भी, 2 9 जा 18 और 1 तो 99 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं करो तो 3 से करो, 33, और इसके बाद 3 से करोगे 11, और 11 अब प्राइम नंबर हो गया तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो देखिए 198 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3 × 11, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 144, ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए अब क्या देखते हैं, 2 × 3 square × 11, 3 2 times है तो 3 square लिख दे। अब देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, एचसीएफ के लिए इस पार्ट को देखेंगे, ठीक है, इस पार्ट को देखिए, तो इसमें देखिए 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 2 3 कॉमन है, देखिए A3 भी कॉमन है और A3 भी कॉमन है, तो 3 2 बार दोनों कॉमन है तो लिख दिए। और कुछ कॉमन है, 11 यहाँ पे है नहीं है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे नहीं है, यानी एचसीएफ हो जाएगा 3 × 3 9 9 2 जा 18, और एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम के लिए क्या बताया गया था आपको, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप जितना भी फैक्टर है सबको लिख लो पहले, तो देखिए 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 11 भी फैक्टर है, तो तीनों को लिख लो, और तीनों को लिखे जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखो। तो देखिए 2 to the power 4, 3 तो 3 का स्क्वायर और 11, तो 11 एक ही टाइम से है, तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ 24 36 और 40, तो इस बार 3 नंबर दिया हुआ और तीनों नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, देखिए 24 और 36 और 40, आप ये तीनों को फैक्टराइज करो। तो देखिए 24 को करेंगे तो कितना, डायरेक्ट भी बता सकते हो, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, डायरेक्ट अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इस तरह से आपको कर लेना है। उसी तरह से 36 को करोगे तो 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, तो 9 × 4 = 36, सही है। फिर 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, फिर 2 करोगे तो 8 हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 to the power 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 square × 3 square, और इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 × 5।
देखिए यहाँ पर तीन नंबर रहे या चार नंबर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो कंसेप्ट हम लोग समझे हैं सबके लिए एक ही तरह से। तो एच सी एफ फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर देखिए देखेंगे तीनों में कॉमन है कि नहीं है। तो देखिए टू जो है ये तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम टू लिख लेंगे, उसके बाद टू जो फिर से तीनों में कॉमन आ रहा है तो फिर से टू लिख लेंगे। देखिए टू यहाँ पे है लेकिन बीच वाला में नहीं है, उसके बाद थ्री है यहाँ पे नहीं है, अब कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका एच सी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर। एल सी एम के लिए आपको क्या बताया कि जो भी फैक्टर है वो सबको लिख लो पहले। तो यहाँ पे टू इंटू थ्री इंटू फाइव, अब देखिए टू इंटू थ्री इंटू फाइव लिख लिए, अब टू टू द पावर मैक्सिमम पावर कौन है तो थ्री, सॉरी थ्री टू द पावर मैक्सिमम पावर कौन है टू, और फाइव तो एक ही बार है तो फाइव, तो ये हो जाएगा एट, थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू फाइव, तो ये हो जाएगा फोर्टी इंटू नाइन यानी कि 360, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए इसमें और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, एच सी एफ और एल सी एम का एक देखिए प्रॉपर्टी होता है, तो आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑफ दियर एल सी एम एंड एच सी एफ। कहने का मतलब क्या है कि आपको याद क्या रखना है कि मान लिया जाए कि हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी ए इंटू बी जो होगा ये दोनों का एच सी एफ इंटू ये दोनों के एल सी एम के इक्वल होगा। तो ए आपको याद रखना है, यानी आपको याद रखना है कि एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एच एल सी एम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मान लिया जाए कि आप एक नंबर ले लो, जैसे मान लिया जाए कि ले लेते हैं 16 और 12, तो जब ए दोनों का नंबर का आप एच सी एफ फाइंड कर लो और एल सी एम फाइंड कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 चार बार लिख दिए और 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो देखिए जब एच सी एफ आप फाइंड करोगे तो दोनों में दो कॉमन है फिर दो कॉमन है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो दोनों का एच सी एफ कितना आ गया 4 और दोनों का एल सी एम कितना आ गया, एल सी एम दोनों का आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू जो मैक्सिमम पावर है उसको लेंगे इंटू 3, तो 2 टू द पावर 4 16 इंटू 3 यानी कि 48। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर लिए 16 एंड 12 और ये दोनों का एच सी एफ निकाले एलसीएम निकाला। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कह मतलब कंसेप्ट क्या कह रहा है, इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि दोनों का जब हम एलसीएम और एच सी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए एलसीएम इंटू एच सी एफ जब ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एच सी एफ आया 4 और एलसीएम आया 48 इंटू 4। तो ए दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करोगे एच सी एफ और एल सी एम दोनों नंबर का जो एच सी एफ और एल सी एम था दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 8 4 जाए 32 और 4 4 जाए कितना 16 और 3 कितना हो जाएगा 192। और दोनों जब नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए भी उतना ही आएगा 16 इंटू 12 यानी कि ए आ जाएगा 16 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लो आप तो 16 टू जाए 32 एंड 16 तो ए भी आ जाएगा 192। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया कि दो नंबर लिए 16 एंड 12 तो ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट हुआ 192 हुआ और ए दोनों का एच सी एफ निकाले और एल सी एम निकाले और दोनों का एच सी एफ और एल सी एम का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है यानी एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट करने से भी उतना ही आ रहा है। तो इसलिए कंसेप्ट हमको याद रखना है कि ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना,
देखिए क्वेश्चन क्या है कि द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 23, यानी कि दो नंबर का एच सी एफ दिया हुआ है, तो एच सी एफ दिया हुआ 23 एंड दियर एलसीएम, एलसीएम भी दिया हुआ है 1449। वन ऑफ द नंबर, उसमें से एक नंबर भी पता है, यानी कि ए एक नंबर है 161, देन फाइंड द अदर, इसका मतलब दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 23 इंटू 1449 इक्वल टू 161 इंटू बी, देयर फोर बी इक्वल टू 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई 161। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है कि कैंसिल करके आंसर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आंसर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेना, यहाँ पे आ रहा है 207। 23 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैसे आंसर आ गया, 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 से अगर करोगे 23 सेवन जा तो 7 से हो जाएगा, और ये 7 से करोगे तो 7 टू जा 14, फिर 0 और 7 सेवन जा 49, यानी 207 207। तो सेकंड नंबर निकल गया, यानी कि जो फाइंड द अदर कर रहा था ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए बोर्ड के एग्जाम में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछ देता है प्राइम फैक्टराइजेशन पे, इस तरह से भी पूछ सकता है कि आप क्या करो, एच सी एफ फाइंड करो एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सपोज दैट बाई क्यू, इस तरह से अलजेब्रिक दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एच सी एफ फाइंड करना है या एल सी एम फाइंड करना है, दोनों में से कोई भी, या दोनों फाइंड करना है, फाइंड एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ इतना, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बाई को आप लिख सकते हो एक्स इंटू बाई, एक्स बाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स इंटू बाई, और एक्स स्क्वायर बाई क्यू को आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स दो टाइम्स और बाई थ्री टाइम्स। अगर आपको एच सी एफ फाइंड करना है तो तीनों में देखिएगा कॉमन क्या है, तो एक्स देखिए कॉमन है, फिर एक्स अब कॉमन तो नहीं है, अब देखिए बाई कॉमन है तो बाई को कॉमन ले लिए। देखिए आपको क्वेश्चन सोल्व करते से इसमें घेरना नहीं है, आपको समझाने के लिए इस तरह से हम लोग ए मैं घेर दे रहा हूँ, आपको घेरना नहीं है कॉपी में, आपको सिर्फ समझ लेना है कि बाई कॉमन है और क्या कुछ कॉमन है, जैसे बाई यहाँ पे है, बाई यहाँ पे, अब तो बाई यहाँ पे नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसी तरह से एक्स यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एक्स इंटू बाई एच सी एफ, इसका एच सी एफ निकल गया। अगर एल सी एम फाइंड करना है तो एल सी एम तो और भी आसान है, इसमें देखिए फैक्टर एक्स बाई हर जगह एक्स बाई है, तो एक्स लिख लीजिए बाई लिख लीजिए, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना आता है 2 है, बाई का मैक्सिमम पावर तीनों में देख लीजिए 3 है, एक्स स्क्वायर बाई क्यू आंसर हो गया। ठीक है, आई होप इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, वन मार्क्स में या मल्टीपल चॉइस में आपको पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अच्छा देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब कि वो बड़ी से बड़ी आपको संख्या निकालना है, यानी कि नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड करने पे दोनों केस में 6 रिमाइंडर आना चाहिए। जिस संख्या को आपको फाइंड करना है, अगर उस संख्या को आप फाइंड कर लोगे और अगर उस संख्या से 438 को डिवाइड करो और इतना को डिवाइड करो तो दोनों केस में आपको 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। अच्छा इस केस में देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि इसमें अलग रिमाइंडर दिया हो और इसमें अलग रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे बोलता है कि इसमें 6 रिमाइंडर बचे इसमें 4 रिमाइंडर बचे, उस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है कि आपको सबसे पहले तो लार्जेस्ट नंबर निकालना, इसका मतलब एच सी एफ निकालना है, इतना बात समझ लीजिए। अगर यहाँ लीस्ट नंबर निकालने बोले तो इसका मतलब एल सी एम वहाँ पर फाइंड करना रहेगा आपको, तो यहाँ पे एच सी एफ फाइंड करना है। लेकिन देखिए सबसे पहले जो रिमाइंडर बच रहा है उसको सबसे पहले हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, जो नंबर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एक 438 है उसमें से 6 आपको सबट्रैक्ट कर लेना, उसी तरह से 606 है उसमें से भी 6 आपको सबट्रैक्ट कर लेना, जो रिमाइंडर बच रहा है
ये दोनों में सिक्स ही बच रहा है, इसलिए दोनों में से सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर यहाँ पे दोनों में अलग अलग नंबर दिया हुआ रहता, 6, 4 या कुछ और नंबर दिया हुआ रहता, तो दोनों को अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट आप अगर आप करोगे तो हो जाएगा 432, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400। अब आप क्या करना है, आप दोनों का HCF निकाल लेना है, ठीक है, ये दोनों को HCF फाइंड कर लेना। तो HCF फाइंड कैसे करोगे, तो 432 को फैक्टराइज करके लिख लो, 400 को भी आप फैक्टराइज करके लिख लो। तो देखिए 432 को यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 2 और 16, फिर 2, तो 2 वन जा 2, फिर 0, 2 एट जा 16, 54, 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 9, और फिर 3 से करोगे तो 3, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब कितना आया, 2 × 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 × 2 × 2 × 2, और 3 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब 3 × 3 × 3। इसी तरह से आप 400 को जब करोगे फैक्टराइज, तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कहीं भी 400 को फैक्टराइज, आपको रफ में कर लेना है 200, या अगर मेन कॉपी पे तो साइड में कर सकते हो, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 50 होगा, फिर 2 से करोगे 25 होगा, फिर 5 से करोगे 5 होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, और 5 2 टाइम्स आया। अब आपको ये दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 × 2 × 2 × 2, 1 सभी में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, तो 2 to the power कितना हो जाएगा 4, 2 to the power 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर जो आया वो सही है कि नहीं है आप चेक कर सकते हो। अब 16 को इससे डिवाइड करो, 438 को डिवाइड करो 16 से, तो जब डिवाइड करोगे तो 16 × 2 = 32, और यहाँ 1 और यहाँ भी 1, फिर 8 आ जाएगा, तो कितना से लगाओगे 7 से लगेगा, तो 16 × 7 = कितना होता है 112, ठीक है ना, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो यही कह रहा था कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए, तो आ गया। अगर इससे भी आप 6 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर जो आया है वो सही है, ठीक है। अच्छा इसमें फिर से आपको बता देते हैं कि अगर अलग अलग रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ रहता 6 और जो भी दिया हुआ रहता, तो इसमें से 6 डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करते, और इसमें से जितना भी दिया हुआ रहता उतना सब्ट्रैक्ट करते, और उसके बाद आपको HCF फाइंड करना रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 और 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो लिस्ट नंबर बोल रहा है, ठीक ना। तो लिस्ट नंबर देखोगे तो इसका मतलब समझ लेना कि LCM फाइंड करना, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि जो नंबर हमको निकालना है उसको जब हम डिवाइड ये तीनों से करें। देखिए पिछले बार जो हम क्वेश्चन किए उसमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ था, इसका मतलब HCF निकालना था, और उसमें भी इसी तरह का था कि उसमें भी रिमाइंडर आना चाहिए 6 इन ईच केस। तो ये दोनों क्वेश्चन में देखिए पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें लिस्ट नंबर लिखा, इसका मतलब हमको पता चल गया कि सबसे पहले LCM फाइंड करना, और इसमें भी उसी तरह का है कि, लेकिन देखिए LCM और HCF कंसेप्ट में दोनों एक ही ढंग से नहीं बनेगा, दोनों को बनाने का तरीका अलग अलग है। तो देखिए इस केस में हम कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है ये तीन नंबर दिया हुआ है, ये तीनों को हम लोग LCM फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले इसमें LCM फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो से रिमाइंडर बोल रहा उसको, देखिए उस केस में सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके जब HCF हम लोग निकाले थे तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, ठीक है, और उसके बाद क्या किए थे HCF फाइंड किए थे। यहाँ पे उसका उल्टा है, यानी सबसे पहले LCM पहले ही फाइंड हो जाएगा, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट उल्टा है, ठीक है। उल्टा कैसे समझ में आ गया, पहले वहाँ पे क्या किए थे, पहले सब्ट्रैक्ट किए थे फिर HCF फाइंड किए थे, यहाँ पहले LCM फाइंड करेंगे बाद में इसको ऐड करेंगे। देखिए
सबसे पहले आप फाइंड करोगे एलसीएम ऑफ 35, 56, 91। कैसे फाइंड करोगे? 35 है तो इसको लिखोगे 5 × 7 56 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 और 8 × 7 = 56। और इसको लिख सकते हो 7 × 13। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम फाइंड करना है तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2³ × 7। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए देखिए आपको क्या बताया गया था कि जो जो फैक्टर है यहाँ पे देखिए 5 और 7 है तो 5 लिख लो 7 लिख लो। अब यहाँ पे देखिए 7 के अलावा 2 भी फैक्टर आ गया तो 2 भी लिख लो, 7 के अलावा 13 भी फैक्टर है तो 13 लिख लो। यानी कि जितना भी तीनों में फैक्टर है सभी को लिख लेना आप। और इसमें जो सबसे हाईएस्ट है, जैसे 5 का और हाईएस्ट तो कहीं नहीं है तो 5 ही है, 7 भी सब में पावर 1 वाला ही है हाईएस्ट, 2 to the power देखिए यहाँ 3 हाईएस्ट सॉरी तो यहाँ पे 13 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अगर मल्टीप्लाई कर लोगे 35 × 8 × 13। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 35 × 8 तो 8 × 5 जा कितना होता है 40 और 8 × 3 = 24 और 4 = 28 × 13। यानी आपको क्या करना है कि 280 में आपको 13 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फिर 0 × 8 = 2 0 × 4 = 8 और 8 = 16 तो इतना हो गया। अब देखिए एलसीएम निकाल लिए तो हम लोग को आया कितना 3640। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर जो होगा लास्ट में आंसर जब हम लिखेंगे नंबर रिक्वायर्ड नंबर यानी कि जो हमको नंबर चाहिए वो लिखेंगे 3640 प्लस 7 रिमाइंडर होना चाहिए यानी कि यहाँ पे ऐड करेंगे यानी कितना हो जाएगा 3647 ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर हमारा सही आया है कि नहीं आया वो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आया था 3640 एलसीएम। देखिए ए आंसर सही है कि नहीं आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो इसमें आप 35 से डिवाइड करो और देखोगे कि 7 रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। जैसे एक हम चेक कर लेते हैं 3647 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 35 से, ठीक है, तो 35 से डिवाइड करोगे तो देखिए 35 और यहाँ पे 1 और फिर ऊपर से आएगा 4 तो यहाँ पे 0 आएगा फिर 7 तो कितना आएगा 35 × 4 = 140 और यहाँ पे आएगा 7 तो देखिए रिमाइंडर 7 बचा। उसी तरह से आप जो नंबर आया उसको अगर 56 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा, 91 से भी आप डिवाइड करके चेक कर लो रिमाइंडर 7 ही आएगा। तो देखिए इस तरह का हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हैं, एक HCF का क्वेश्चन जो कि सेम टाइप का था और LCM का क्वेश्चन। अब आपको समझना है कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है, कहाँ पे पहले HCF निकालेंगे या LCM निकालेंगे पहले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी तरह का कंसेप्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।